तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज जो है दोस्तों, ये जुराब की जगह पे जो है रबर क्यों पहनाया जा रहा है, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो अक्सर जो होता है दोस्तों कि ठंडी के टाइम में जो जुराब बच्चे से नहीं पहनते हैं और पहनना चाहिए, नहीं तो ये पैर में सूजन हो जाता है। और गर्मी के टाइम में तो बहुत कम ही लोग पहनते हैं जुराब, जो जूते पर ही पहनते हैं, जो खाली तो कोई नहीं पहनता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बच्चे को हम किस तरह से कैरी करें। बच्चे जो होते हैं अक्सर जो नटखट होते हैं, और उस तरह से जब भी बच्चे जुराब पहनते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि जुराब का जो रबर होता है वो ढीला हो जाता है। तो अक्सर तो बच्चों को खेलने कूदने में भी नहीं बनता है, और बच्चे जो होते हैं निकाल कर फेंक देते हैं। तो इस तरह से लेना है एक रबर बैंड, और आप रबर बैंड की सहायता से इस पे जुराब पे लगा दें, जिससे होगा कि जुराब नहीं खुलेगा और बहुत ही आसानी से बच्चे जुराब पहने रहेंगे। और जो बच्चे का है जुराब भी खराब नहीं लगेगा देखने में, और बच्चे मस्ती में खेलते कूदते रहेंगे। और बच्चे नहीं, बड़े भी इस तरह से कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि हम दोनों पैर में इसका रबर लगा दिए, इसका जो ऊपर का रबर है वो ढीला हो चुका है। तो इस तरह से एक रबर बैंड की सहायता से आप दोनों पैरों में रबर बैंड की सहायता से बहुत ही बढ़िया से आप जुराब पहन कर सकते हैं। बेकार पड़े जुराब भी आप यूज कर सकते हैं। तो और इस तरह से आप जो है पैंट वगैरह नीचे कर दीजिएगा, पैंट का मोहरी, तो दिखने में भी खराब नहीं लगेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये जुराब में रबर बैंड लगा है। तो वीडियो कैसी लगी, यूजफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा है लगा आपको वीडियो।